अस्सलाम वालेकुम K21 न्यूज के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारा ये ख्याल है कि अवाम का एतमाद उठ चुका है और अब पार्लियामेंट का एतमाद भी उठना चाहिए। तमाम आईनी कानूनी और सियासी ऑप्शंस को हमें बिला ताखीर हमें उनको इस्तेमाल करना होगा। यकीनन पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में दो राह थी मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मुत्तफिक, जरदारी और शहबाज ने कोहनी, बिलावल और हमजा ने मुक्के मिला लिए। तहरीके अदम एतमाद की तजवीज PDM इजलास में जेरे बहस लाने का फैसला। सेलेक्टेड वाले ट्वीट पर मरियम ने बात घुमा दी। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं। अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? इंशाल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। शमीर इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आप और हम मिलके इतिहास करते हैं। कराची में पूरे दिन नहीं होने देंगे। कराची में निशानी को सादा नहीं होने देंगे। एमयू की दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। एमयू की बदमाशी नहीं होने देंगे। लाशों की सियासत नामंजूर। वजीर इतलासन सईद गनी की MQM पर तनकीद। कराची में खून रेजी रोकने का अज़्म। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। मुस्तकबिल बताएगा कि उनकी सियासत नस्ला टावर की तरह गिरेगी और पीपल्स पार्टी की सियासत जो है तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। फजल रहमान साहब हमारे साथियों के पास मदद लेने के लिए चलेंगे। आए आप तीनों इकट्ठे होके आओ, सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ही ठोकर में आपको मार देंगे। नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर और पीपल्स पार्टी की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह गिरने की पेश गोई। अपोजिशन रहनुमा गंदे अंडे करार। आपकी सियासत खत्म होने के दिन आ गए हैं। शेख रशीद का कश्मीर रैली से खिताब। भारतीय आर्मी चीफ को भी पैगाम। जनाब लाए आप लाए अपनी फौजों को। आज पाकिस्तान कोई 70 का और 65 का पाकिस्तान नहीं है। आज पाकिस्तान कोई 70 और 65 का पाकिस्तान नहीं है। हमने ये फुलझड़ियां कोई शबरात और दिवाली के लिए नहीं रखी हुई है। योम यकजहती कश्मीर। मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा का इफ्तिताह। फौज ने भारत को बता दिया, आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल दी जाएंगी। सदर मुमलिकत का खिताब। मोदी की फुस्ताइयत मज़ाहमत कुचलने में नाकाम हो गई। वजीर आजम का ट्वीट। मसला कश्मीर अकवाम मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ का मजलूम कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश। भारत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान। योम यकजहती कश्मीर। वजीर बल्दियात की कयादत में पीपल्स चौरंगी से मजार इकाई तक वॉक। भारत जुल्म बर्बरियत से कश्मीरियों को आजादी से महरूम नहीं रख सकता। नासिर हुसैन शाह का इजहार ख्याल। कराची के अस्करी पार्क का नाम कश्मीर पार्क रख दिया गया। मसलूम भाइयों से धारे यकजहती के लिए रैली। कौम कश्मीरी आवाम के साथ है। मुर्तजा वहाब का खिताब। बल्दिया बस्ती में स्कूल और कॉलेज के तलबा तालिबात का भारत के खिलाफ एहतजाज।
مذاکرات کی کامیابی کے بعد پی ایس پی کا دھرنا مؤخر، سندھ حکومت 140A کے تحت بلدیاتی نظام کے نفاذ، سیاسی انتظامی اور مالی اختیاری عوام نمائندوں کو دینے پر متفق، میئر کے براہ راست انتخابات کے لیے مزید بات چیت ہوگی۔ مصطفی کمال کہتے ہیں ترامیم 18 فروری تک اسمبلی سے منظور کرا لی جائیں گی۔ فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑی روکنے کی کوشش، لاہور میں چاکمی اسپتال کے قریب ڈرائیور نے کار وارڈن پر چڑھا دی، زخمی اسپتال منتقل، ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سلطانز کی لگاتار چوتھی جیت، ملتان ٹیم نے سپر لیگ 7 کا 13واں میچ اپنے نام کر لیا، پشاور زلمی کو 57 رنز سے ہرا دیا۔ 12ویں میچ میں لاہور کلندرز بازی لے گئی، اسلام آباد یونائٹڈ کو 8 رنز سے شکست دے دی۔ اور پر اسرار قوت نے چاند کو زمین سے ٹکرانے کے لیے مدار سے ہٹا لیا، ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم مون وال کی فلم کی ریلیز جاری کر دی گئی۔